आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। दिल्ली की राजगद्दी का अगर सिरमौर बनना है तो यूपी के लोगों का दिल जीतना पड़ता है, और यूपी में अगर सियासत चमकानी है तो एक खास वर्ग का वोट बैंक आपके साथ होना चाहिए। इन दिनों ओबीसी वोट बैंक को सहेजने के खातिर सभी पार्टियां पिछड़ी जातियों से जुड़े अभियानों को धार देते हुए नजर आ रही है। ओबीसी वोट बैंक में से एक खास वोट बैंक है जो कि चुनाव जिताने में यूपी में निर्णायक भूमिका अदा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुर्मी वोट बैंक की। कुर्मी वोट बैंक को लेकर अब एक बार फिर से यूपी में सियासत तेज हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुर्मी वोट बैंक के लिए मची खींचतान। 24 के चुनाव के लिए सभी ने फूंकी जान। ओबीसी तय करेंगे पार्टियों का भविष्य। यूपी में फिर बढ़ गई सियासी तपिश। उत्तर प्रदेश की सियासत ओबीसी वोट बैंक की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। यूपी में यादव के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा आबादी वोटर्स है तो वह कुर्मी समाज का है। अगर इस समाज का इतना असर पड़ता है तो सूबे की सियासत में तो जाहिर है कि उसे साधने के लिए सियासतदान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कुर्मी समाज के वोटों को साधने के लिए बीजेपी से लेकर सपा बसपा और कांग्रेस तक जोर आजमाइश में जुटी है। वहीं अपना दल के दोनों धड़े कुर्मी समाज की बदौलत किंग मेकर बनने का सपना संजोए रखी है। कुर्मी समाज में कौन कौन सी उपजातियां? पटेल, गंगवार, सचान, कटियार, निरंजन, चौधरी, वर्मा। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बड़ा टारगेट सेट कर रखा है। भाजपा चाहती है कि नगर निगम के चुनाव की तरह वो लोकसभा में क्लीन स्वीप करके विपक्षी खेमे में खलबली मचा दे। लेकिन उसके सामने सपा जैसी कड़ी प्रतिद्वंदी जैसी पार्टी खड़ी है। यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग में प्रभावित जातियों के बीच पहुंचने की होड़ मची है। यूपी में ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी बिरादरी कुर्मी समाज की है। कुर्मी समाज को जोड़ने के लिए भाजपा और सपा ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने कुर्मी वोटरों को जोड़ने के लिए बाकायदा अपने इस वर्ग से आने वाले नेताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। कुर्मी वोटर्स के लिए जोर आजमाइश। भाजपा स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान, संजय गंगवार। सपा नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, आशुतोष वर्मा। उत्तर प्रदेश में जाति जगणना की मांग जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार कर रही है और सरकार को इस पूरे मसले पर घेर भी रही है। बात की जाए तो आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में ओबीसी समाज इस चुनाव में एक अहम और निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सभी राजनीतिक दल ओबीसी के हितों को साधने का प्रयास कर रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग सम्मेलन, इसके अलावा और भी जो वर्ग है उसके सम्मेलन करा रही है। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूले पर चल रही है और सीधे तौर पर ओबीसी समाज के वोटर्स और ओबीसी समाज के आने वाले नेताओं पर अपना ध्यान फोकस करते हुए देखी जा सकती है। जल्द ही समाजवादी पार्टी की एक ऐसी लिस्ट तैयार होगी जिसमें ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले नेता दिखाई देंगे और नेताओं को अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है, लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है और पार्टी में कुछ विशेष पदाधिकारी के तौर पे इनकी नियुक्ति भी हो सकती है। अगर बात करें तो पिछले ही दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं लेकिन ओबीसी समाज का हित अब तक नहीं कर पाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ओबीसी समाज के हित लड़ने वालों की यह लड़ाई उत्तर प्रदेश में क्या रंग खिलाती है। एनडीए के सहयोगी अपना दल एस और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कुर्मी वोटरों को लुभाने की जोर आजमाइश शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत प्रतापगढ़ से हो भी गई है। अपना दल एस ने अपने संस्थापक और कुर्मी का बड़ा वोट बैंक रहे सोनेलाल वर्मा की परिनिर्वाण दिवस के मौके पर ताकत दिखाने के लिए प्रतापगढ़ को ही चुना। समाजवादी पार्टी सदैव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हक की लड़ाई लगातार लड़ती रही है, लड़ भी रही है, आने वाले समय में लड़ती भी रहेगी और समाज के हर वर्ग को, जैसे हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी बोलते हैं, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है लगातार जोड़ने का काम हो रहा है। 2024 में यही पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। पल्लवी पटेल कमेरा की जो है अपने को नेता कहती हैं, वो तो समाजवादी पार्टी की हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, तो कमेरा रह कहाँ गया?
कमेरा समाज से जो नाम दिया है अपना दल कमेरा को, वो जो है पार्टी रही कहीं गई। ये तो समाज को बरगलाने की बात है। सामाजिक न्याय समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों और नीतियों पर चलकर हम 2027 में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। कुर्मी समुदाय पहले से ही बीजेपी के साथ है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता भी दिखाई देता है, लेकिन सपा उसके वोट बैंक में सेंग लगाने की कोशिश में है, जिसकी जिम्मेदारी पल्लवी पटेल संभाल रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कुर्मी वोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है। कुर्मी वोटर्स की ताकत, यूपी में समाज की आबादी करीब 35%, 48 विधानसभा सीटों पर डालते हैं असर, 8 से 10 लोकसभा सीटों पर निभाते हैं निर्णायक भूमिका, सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम योगदान। इस समाज को जोड़ने के लिए हर कोई उत्सुक है। पिछड़ों की जिम्मेदारी के लिए खुद अखिलेश यादव भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी भी खुद को पिछड़े का हितैषी बताते नहीं थक रही। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की सियासत की दिशा और दशा ओबीसी वोटर्स ही तय करते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कौन सी पार्टियां ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर खींचने में कामयाब होती हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।